हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। हाज़िर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ड्रामा मूवी को, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, जिसका नाम है बटरफ्लाई, जिसे साल 1981 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था मैट सिम्बर ने। और बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 4.7 out of 10 स्टार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं। उसके सामने एक ट्रक आता है और वह उसमें बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं उसकी आँख से आंसू आ रहे होते हैं। फिर ड्राइवर की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है, वह उन पर हाथ रख देता है। फिर वह कहता है, हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ कोई ना हो। फिर वह ट्रक को साइड में खड़ा कर देता है और वह लड़की उसके साथ रोमांस करने लगती है। मौका देखकर वह लड़की अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं वह एक घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। वहाँ एक आदमी आता है, वह कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की उस आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर वह आदमी उसे जाने के लिए कहता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है इस आदमी का नाम जैस है और ये मिस्टर गैलेप्स की बंद पड़ी सिल्वर माइन की रखवाली करता है। और इसकी बीवी इसे 10 साल पहले छोड़ चुकी है और अपनी दो बेटियों को भी ले गई है। आखिर में वह लड़की कहती है, मेरा नाम कैरी है, और वह घर के अंदर चली जाती है। दरअसल ये जैस की बेटी होती है। और जब वो रात को डिनर कर रहे होते हैं, तब जैस पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तब कैरी बताती है, मैं स्कूल के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी और अब मेरा एक महीने का बेटा भी है, जिस वजह से लोग मुझे चिढ़ाने लगे और मैं यहाँ आ गई। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। जैस उसे मना कर देता है। आखिरकार कैरी के मनाने पर वह मान जाता है। रात को जब वह नहाने जाती है, तब जैस उसकी परछाई पर्दे पर देखता है। अगली सुबह कैरी सिल्वर माइन के पास दिखाई जाती है। फिर वहाँ जैस आता है और कहता है, इसमें अब इतना चांदी नहीं है, इस वजह से इसे बंद करना पड़ा। फिर कैरी कहती है, इसमें इतना चांदी तो होगा ना कि दो लोगों की ज़िंदगी कट जाए। जैस कहता है, तुम यहाँ किस लिए आई हो। सिल्वर के लिए, बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। फिर कैरी कहती है, बुरा काम करने से मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई है, मुझे एक बेटा मिला है। और मेरे बेटे का पिता इस सिल्वर माइन के मालिक गैलेप्स का बेटा है, जिसका नाम मैक्स है, जिसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा सरनेम टेलर है, और अगर मुझे अपने बेटे के लिए बुरा काम करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगी। फिर जैस उसका हाथ पकड़कर उसे चर्च ले जाता है। फिर हम देखते हैं वह लोग चर्च पहुँच चुके हैं, तभी उन्हें वहाँ एड मिलता है जो माइंस की चेकिंग करता है। चर्च में उपदेशक कैरी की कहानी सबको सुनाता है। फिर वह वहाँ से उठकर चली जाती है। जैस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह चली जाती है। आगे हम जैस को कैरी का इंतजार करते हुए देखते हैं। अगले दिन सुबह जब जैस घर के बाहर होता है, तभी वहाँ एक कार आती है। कार में से कैरी उतरकर आती है। तभी जैस उससे पूछता है, वह कौन था और तुम कल रात कहाँ थी। कैरी कहती है, मैं अपने फ्रेंड के घर थी और ये उसका भाई था जो मुझे यहाँ छोड़ने आया था। रात को जब कैरी सो रही होती है, तभी उसके पास जैस आता है और कहता है, तुम यहाँ रह सकती हो, मैंने जो तुमसे व्यवहार किया आगे फिर से नहीं करूँगा। लेकिन कैरी कहती है, मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जैस कहता है, नहीं, तुम नहीं जाओगी और कल से हम सिल्वर माइन में काम शुरू करेंगे। फिर हम देखते हैं वह दोनों सिल्वर माइन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। और जब वह घर आते हैं, तब कैरी थकने की वजह से सो जाती है, पर वहाँ जैस आता है, उसे उठाता है और कहता है, गर्म पानी से नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कैरी उसके सामने कपड़े उतार कर नहाने लगती है। तभी कैरी कहती है, क्या तुम मेरी पीठ पर मालिश कर दोगे, मुझे दर्द हो रहा है। और जब जैस मालिश कर रहा होता है, तब दोनों को अच्छा फील होता है। फिर जैस खुद को रोक देता है और कहता है, ये सब गलत है। तभी कैरी कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है और शायद आपको भी। जैस कहता है, तुम मेरी बेटी हो। लेकिन कैरी कहती है, मैं एक औरत भी हूँ। तभी जैस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वह दोनों फिर से सिल्वर माइन में काम कर रहे होते हैं। फिर हम एड को देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं वह दोनों फिर से सिल्वर माइन में काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ काफ़ी चांदी मिलती है। कैरी खुश हो जाती है। फिर हम ऐड को देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन जब वह चांदी बेचने शहर जाते हैं, तभी कैरी एक शॉप पर उतर जाती है और जैस से कहती है, तुम जाओ, तब तक मैं यहाँ शॉपिंग कर लूँ। जब जैस वापस आता है, तब उसे पता चलता है वह सामने बार में चली गई है। जब वह वहाँ जाता है, वह देखता है कैरी वहाँ किसी लड़के के साथ डांस करते हुए शराब पी रही है। तभी जैस आता है और कहता है, चलो घर चलो। कैरी कहती है, मैं इन लोगों के साथ जाऊंगी, कभी कभी मुझे भी अच्छी फीलिंग चाहिए। जैस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार करके वहाँ से चलने लगती है। जैस कहता है, तुम मेरे साथ चलो। कैरी मान जाती है। तभी वह लड़के जैस को पीटने लगते हैं और जैस कैरी को भागने के लिए कहता है, लेकिन कैरी उन लड़कों पर हमला कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर उन लड़कों को वहाँ से भगा देते हैं। तभी वो हमें कोर्ट में दिखाई दिए जाते हैं, जहाँ उन पर $12 का फाइन लगता है।
और जब वह घर पहुंचते हैं तभी वहां उसे अपनी बहन जेनी दिखती है और वह अपने साथ कैरी के बेटे को लेकर आई होती है। और जब कैरी अपने बच्चे को जैस के पास लाती है तब वह चुप होकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं जैस अपने पोते के साथ खेल रहा होता है, फिर उसकी नज़र बच्चे के पेट पर बने बर्थमार्क पर जाती है। तभी जेनी कहती है मैक्स कैरी के साथ शादी करने को तैयार है और वह कल उसे लेने आ रहा है। अगले दिन जब मैक्स वहां आ रहा होता है तब कैरी भागकर उसके पास जाती है और कहती है यहां क्यों आए हो, वापस चले जाओ। आखिरकार मैक्स के मनाने पर कैरी मान जाती है। फिर वह जैस के पास जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है और वो सब उसे माफ़ भी कर देते हैं। रात को जब सब साथ में होते हैं तब मैक्स कहता है हम 2 दिन में शादी करेंगे। तभी उन्हें वहाँ एडमी आते हुए दिखता है। तभी जैस अपनी बंदूक लाकर कहता है यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं उसके साथ कैरी की माँ होती है, वह बीमार होती है और वह अपने पोते को देखने के लिए आती है और उसके साथ उसका पति मॉक भी होता है। जब कैरी की माँ और जैस बात कर रहे होते हैं तभी कैरी की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और जैस कमरे से बाहर आता है। तभी मॉक कमरे के अंदर जाता है जिस पर वह एक सुई जैसी चीज़ से लेकर हमला कर देती है, लेकिन मॉक अपने बचाव में उसे मार देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार के समय जैस को एहसास होता है कि एड को सिल्वर माइन के बारे में पता चल गया है। फिर हम देखते हैं जैस अपनी बंदूक लेकर सिल्वर माइन की तरफ भागता हुआ नजर आता है और वहाँ हमें बिना शर्ट पहने मॉक दिखाई देता है जो खदान में सिल्वर की चोरी कर रहा होता है। फिर दोनों में बहस होती है, तभी उसकी नज़र मॉक के पेट पर बने बर्थमार्क पर जाती है। तभी जैस को लगता है मॉक ने कैरी के साथ सेक्स किया है और वह बच्चा इसी का है, शायद इसीलिए कैरी की माँ इसे मारना चाहती थी। गुस्से में होने की वजह से वह उसे गोली मार देता है। तभी मॉक उसे बताता है ये बर्थमार्क से लड़कों पर आता है, कैरी तुम्हारी लड़की नहीं मेरी लड़की है, इसीलिए उसके बेटे पर भी ये मार्क है। फिर वह जैस को खुद को बचाने के लिए कहता है लेकिन जैस उसे गहरी खदान में फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे जैस मिस्टर गैलेप्स के घर जाता है और उनसे कहता है मॉक ने मुझे बताया है कि वह बच्चा मैक्स का नहीं है। जैसा बर्थमार्क उस बच्चे के पेट पर है वैसा ही बर्थमार्क मॉक के पेट पर भी है और मैं चाहता हूँ अब आप कैरी से दूर रहें, उतना ही अच्छा है। दरअसल जैस अब कैरी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है क्योंकि अब उसको पता चल चुका होता है कि कैरी उसकी बेटी नहीं है। अगले दिन कैरी और मैक्स की शादी होती है, वह उसका इंतजार कर रही होती है और मैक्स उसे लेने नहीं आता जिससे वह दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कैरी और जैस लंच कर रहे होते हैं, तभी जैस कैरी के पैरों पर हाथ रखता है और खदान में फिर से काम शुरू करने की बात करता है और कैरी मान जाती है। फिर हम देखते हैं वह दोनों खदान की तरफ जाते होते हैं लेकिन कैरी गिर जाती है। फिर हम देखते हैं वह दोनों रोमांस करने लगते हैं जिससे एड उन्हें देख लेता है। फिर वह खदान पहुँचते हैं और सेक्स करते हैं। जब वह खदान से चांदी निकाल रहे होते हैं तभी वहाँ पुलिस आती है, उनके साथ एड भी होता है। पुलिस उन्हें बताती है आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तभी जैस पूछता है किस आरोप में, तभी वह कहता है इंसेस्ट। अगर आपको नहीं पता तब मैं आपको बता दूँ कि अपनी ही फैमिली में किसी के साथ शारीरिक संबंध रखना गैरकानूनी है। अगले दिन वह हमें कोर्ट में दिखाई देता है। फिर जज कहता है तुम दोनों ने कुदरत के खिलाफ काम किया है, अब तुम दोनों को सजा होगी। ये सुनकर जैस कहता है मैंने कैरी के साथ जबरदस्ती की है। दरअसल जैस चाहता है कि कैरी को सजा ना हो, इसलिए वह खुद को दोषी साबित करने की कोशिश करता है। तभी कैरी कहती है उन्होंने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, उसमें मेरी भी मर्जी थी। तभी जज कैरी को सजा सुनाने ही वाला होता है, तभी जैस कहता है कैरी मेरी बेटी नहीं है, वह मॉक की बेटी है। तभी वह जज को बच्चे के पेट पर बने बर्थमार्क के बारे में बताता है और कहता है मॉक की फैमिली में हर लड़के के पेट पर यह बर्थमार्क बना होता है और उसे साबित करने के लिए वह एड का शर्ट फाड़ देता है और जज उन्हें बाइज्जत परी कर देता है। दरअसल मॉक और एड सौतेले भाई होते हैं, इसी वजह से उसके पेट पर भी वह मार्क होता है। फिर हम देखते हैं मैक्स कैरी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। फिर जैस अपनी कार लेकर निकलता है तो एड उसका पीछा करता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।